नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रामगंज मंडी शहर के उड़वा रोड स्थित स्टील फैक्ट्री में आगामी 3 मार्च को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले विशाल सत्संग समारोह के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। पत्रकार वार्ता में संत समर्थकों ने बताया कि समाज में फैली कुरीतियां जैसे पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराएं, नशा, रिश्वतखोरी चरम पर है, जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नशे की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं और तो और भाईचारा भी समाप्त होता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज में फैली सारी बुराइयों को समाप्त कर सत्य भक्ति प्रदान करने, दहेज मुक्त भारत बनाने, पाखंडवाद मुक्त भारत बनाने और समाज में भाईचारा स्थापित कर भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और संत जी के समर्थकों द्वारा गांव गांव, शहर ढाणी ढाणी में LED प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग आयोजित किया जा रहे हैं ताकि समाज से सभी प्रकार की बुराइयां खत्म हो सके। इसी कड़ी में रामगंज मंडी शहर स्थित उड़वा रोड रेलवे जंक्शन के पास स्टील फैक्ट्री में आगामी 3 मार्च को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक विशाल सत्संग का किया जा रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि सत्य भक्ति की सही विधि क्या है, सच्चा परमात्मा कौन है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सत्संग में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर भी जोर दिया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी, इस तरह के सत्संग कार्यक्रम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह भी करवाए जाते हैं, जिसमें न घोड़ी होती है, न ही हल्दी मेहंदी की रस्म, मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामगंज मंडी विधानसभा में लगभग 15 से अधिक दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं और सभी परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। इस समाज में, मानव समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को जड़ से खत्म करना, दहेज मुक्त विवाह करवाना, नशा मुक्त भारत बनाना संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बनाना और आज की आयन करवाना। कोई भी इसी प्रकार की जो बुराइयां हैं उनसे मुक्त होने के लिए एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और इस सत्संग के माध्यम से आज की आने वाली युवा पीढ़ी में चेतना आएगी, बुराइयों से छुटकारा मिलेगा तथा जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और श्री राम भगत जो अयोध्या में आ रहे हैं अभी श्री राम जी के वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा अखंड 24 घंटे निरंतर निःशुल्क भंडारा दिया जा रहा है, उसमें सारी सुविधा है। कोई भी श्री राम सेवक। समय जगत के लिए रामगंज मंडी से पप्पू गौड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।